को नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जगत शर्मा और मेरे पास यहाँ पे आज वन प्लस 60 है और वन प्लस 7 प्रो है। अब ये दोनों के दोनों फ़ोन्स एक नंबर हैं, इन दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर कोई सी भी कमी नहीं है। वन प्लस 7 प्रो जो है वन प्लस 60 का बड़ा भाई है और इसके अंदर जो है वो कर्व डिस्प्ले आती है और मतलब बहुत ज़्यादा शानदार जो है इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस हैं। एक चीज़ जो मुझे इन दोनों के अंदर जो है वो अजीब सी लगती है कि वन प्लस 7 प्रो के अंदर एक चीज़ अच्छी है जो कि वन प्लस 60 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है और वो है इनके वॉलपेपर्स। तो वाकई में वन प्लस 7 प्रो के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको वन प्लस 60 में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि इसके कैमराज, इसकी कर्व डिस्प्ले, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर हार्डवेयर के अंदर है और सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर जैसी और जेन यूआई जैसी चीज़ें जो हैं वो वन प्लस 60 के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ मेरे ख्याल से शायद ही आए, वो है वन प्लस 7 प्रो के वॉलपेपर्स, क्योंकि वन प्लस 60 के अंदर जो वॉलपेपर्स हैं वो वन प्लस 6 में नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि वन प्लस 7 प्रो के अंदर जो वॉलपेपर्स हैं वो वन प्लस 60 में ना आए। तो मुझे वन प्लस 7 प्रो के वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, वन प्लस 60 के वॉलपेपर्स अच्छे नहीं है, लेकिन वन प्लस 7 प्रो के वॉलपेपर्स वाकई में बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं वन प्लस 7 प्रो को लॉक करता हूँ और फिर अनलॉक करता हूँ इसको, जैसे कि आप देख सकते हो वाला वॉलपेपर जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से जो है एक एनिमेशन देता है, एक लाइव वॉलपेपर की तरह एक फील देता है और ये वाली एनिमेशन बहुत ज़्यादा लंबी चलती है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 60। जैसे कि आप देख सकते हो वन प्लस 60 की चल के ख़त्म हो गई और वन प्लस 7 की चलती ही रहती है, इट्स लाइक फॉर एवर। उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप कोई सा भी ऐप खोलते हो, मतलब कि लॉक स्क्रीन खोल के, तो जब तक वाला ऐप, जब तक पीछे वाला वॉलपेपर जो है वो चलता रहता है और आपको एक तरीके से सीमलेस जो है फील देता है। ऊपर से कि 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है वाला वॉलपेपर। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके वॉलपेपर्स जो है वो इसके अंदर डालने की कोशिश करूँ? तो आज इस वाली वीडियो के अंदर अपन यही करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको उन वाले लिंक्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाके आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे यहाँ पर जहाँ से आप प्लस 7 प्रो के वॉलपेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, स्पेसिफिकली लाइव वॉलपेपर्स। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी रेड कलर की लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द वन प्लस 7 प्रो लाइव वॉलपेपर APKs। आपको इस वाले लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और फिर आपको इस वाले पेज के ऊपर ये लोग डायरेक्ट कर देंगे जहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 वॉलपेपर्स जो है वो अवेलेबल है। अब जैसे कि आप देख सकते हो वन प्लस 7 प्रो के अंदर जो है वॉलपेपर्स की सेटिंग्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 1, 2, 3 और 4 वॉलपेपर्स जो है वो देखने को मिलते हैं लाइव वॉलपेपर कैटेगरी के अंदर, और कोई सा भी वॉलपेपर जो है वो लाइव नहीं है, बस ये 4 ही हैं। और अगर मैं वन प्लस 60 की बात करूँ तो फिर यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर शुरुआत में देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको एंड में देखने को मिलते हैं और ये भी 1, 2 और 3 ही हैं और ये इतनी ज़्यादा लंबी देर तक नहीं चलते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज वॉलपेपर। इसलिए मैं इन वाले वॉलपेपर्स को जो है वो डाउनलोड कर देता हूँ फर्स्ट प्लेस। तो फिर मैं इन चारों के चारों APKs को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो चारों के चारों वॉलपेपर्स जो है वो डाउनलोड हो रहे हैं। मेरी नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो आ रही है इसलिए मैं इस वाली वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फिर जैसे ये सारे के सारे वॉलपेपर की एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, डाउनलोड हो जाएँ तो फिर आपको एक एक करके इनको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और एक बार ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी तब आपको इसके वॉलपेपर्स की सेटिंग के अंदर जाना है और फिर उसके बाद जैसे आप पीछे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे के सारे वॉलपेपर्स जो हैं वन प्लस 7 के वो यहाँ पे आ चुके हैं आपके एंड ही एंड में। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी चारों के चारों वॉलपेपर्स जो हैं वन प्लस 7 प्रो के अंदर भी यही के यही वॉलपेपर्स हैं और अब मैं वन प्लस 7 प्रो के वॉलपेपर और इसके वॉलपेपर को एक तरीके से मैच कर देता हूँ। एक बार मैच करने के बाद जो है आप जैसे कि देख सकते हो दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स एक जैसे ही लगने लग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉच है वन प्लस 60 के अंदर और कर्व डिस्प्ले भी नहीं है। लेकिन मैं एक बार इन दोनों को अनलॉक करके देख लेता हूं और देखता हूं कि किसके मतलब किस दोनों के एनिमेशन स्पीड जो है वो सेम टू सेम है कि नहीं है। और वाकई में दोनों के दोनों एक नंबर लग रहे हैं और देखा जाए तो एक तरीके से वन प्लस 60 का वॉलपेपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चल रहा है, जो कि एक तरीके से अच्छी बात ही है, मैं यही चाहता था। कुल मिला के सुंदर तो वन प्लस 7 प्रो की डिस्प्ले पर ही लगेगा कि डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी है और ऊपर से 90 हर्ट्ज़ की है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ओवरऑल आप इन सारे के सारे वॉलपेपर्स का मज़ा आप अपने 60 पर भी ले सकते हो और आप इसको बोल सकते हो कि ये देखो मेरे पास वन प्लस 7 है, क्योंकि इन दोनों के दोनों फ़ोन के अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आप पीछे कोई स्किन वगैरह लगा लोगे या फिर कुछ भी लगा लोगे तो फिर वन प्लस 7 प्रो को और वन प्लस सेवन नॉर्मल वाले को और वन प्लस 60 को डिफ्रेंशिएट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। भाइयों मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ इसलिए वाली वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई और बहुत ज़्यादा शॉर्ट मैंने इस वाली चीज़ को निपटा दिया है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई भाइयों। दिस इज मिस्टर गेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद।
हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।